आओ चल के आओ। हाँ आओ बैठो। बताओ कहाँ से आए हो आप लोग? जी सर, मैं ग्राम दौलतपुर कला नर्स है ना, बुलंदशहर से आया हूँ। अच्छा, और ये बच्चा है आपका? हाँ जी। पिताजी हो आप इसके? जी सर। क्या हो गया था इसको, बच्चे को बताओ। इसके रीड गेटिंग प्रॉब्लम थी पहले। अच्छा, हमें पता नहीं थी, फिर हमने MRI कराया, फिर हाँ। हम आपके पास ले गए। तो क्या बताया आपने? रसौली बताई थी कि ट्यूमर हो गया। हाँ, ट्यूमर। हाँ, रीड की हड्डी में ट्यूमर हो गया जी। उसकी वजह से बच्चे को दिक्कत क्या क्या थी? जी, दर्द रहता था हरदम। अच्छा, और चलने लंगड़ा चलता था, एक पैर चलना बंद हो गया था। हाँ, हल्का हल्का। अच्छा, खाना 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 भी नहीं खाता था ज्यादा, तन मन खाता था। और टट्टी पेशाब में भी कोई दिक्कत थी? नहीं, टट्टी पेशाब करता था, जैसे खाता था ऐसा करता था। अच्छा, फिर इसका ऑपरेशन हो गया? हाँ जी, इसका ऑपरेशन हो गया। कितने दिन हो गए लगभग? जी सर, इसका ऑपरेशन हुआ था 29 जुलाई को। 29 जुलाई, यानी कि लगभग 2.5 महीना हो गया। हाँ जी सर। अब बच्चा ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत किसी तरह की? अब तो इस टाइम कोई दिक्कत नहीं लगती। चलता फिरता है जी, खेलता भी है, खेलता भी है जी, दंगा भी करता है। हाँ जी, खूब शरारत करता। अच्छा, और खाता पीता भी है? हाँ, खाता पीता। कमर में जो दर्द बताता था वो चला गया? वो दर्द भी नहीं है। और जो लंगड़ा के चलता था वो भी चला गया? वो भी चला गया, वो भी दर्द नहीं है। ठीक है। तो ये ऑपरेशन के कितने दिन बाद चलने लगा था? ऑपरेशन के लगभग 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने? 1.5 महीने तक तो हमने रेस्ट बताया था जी, उसके बाद फिर ये चलने फिरने लगा, दंगा भी करने लगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा फिर इसको छोट कर दी, फिर तो ज्यादा ही चलने लगा, फिर तो अब तो खूब खेलता कूदता। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बताता? नहीं। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।